नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आज हम बात करेंगे शनि प्रदोष व्रत की। भगवान शिव भक्तों के लिए ये जो प्रदोष व्रत होता है बेहद ही खास होता है, क्योंकि ये प्रदोष व्रत अगर आप कर लेते हैं तो ना केवल आपके जीवन से दुखों की समाप्ति होती है, बल्कि अगर आप किसी भी तरह के कष्टों से जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक कष्ट है, चाहे वो दाम्पत्य कष्ट है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कष्ट है, उन सभी कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव की कृपा आप लोगों पर बनी रहती है, और भगवान शिव की ही नहीं बल्कि भगवान शिव परिवार की कृपा आप लोगों पर बनी रहती है। अब जिस प्रकार से प्रदोष व्रत होता है ये हर महीने में आता है, यानी कि अगर देखा जाए तो इस बार का जो प्रदोष व्रत रहेगा वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत रहेगा, शनिवार का दिन रहेगा, क्योंकि हर प्रदोष व्रत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस भी दिन पे ये प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन के अनुसार इस प्रदोष व्रत का नाम होता है, यानी कि इस बार जो है ये प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं शनि प्रदोष व्रत की। ये जो व्रत पड़ेगा इस वर्ष 31 अगस्त 2024 का पड़ेगा। अगर हम तिथि की बात करें तो 31 अगस्त देर रात्रि 2:25 से तिथि उदय होगी और जो समाप्त होगी ये 1 सितंबर रात्रि 3:17 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो 31 अगस्त को ही शनि प्रदोष व्रत की पूजा आराधना की जाएगी और व्रत भी रखा जाएगा। वहीं पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 31 अगस्त की रात को यानी प्रदोष की शाम को संध्या काल में गौधूली मुहूर्त में अगर आप पूजा आराधना करते हैं भगवान शिव की, उनका अभिषेक करते हैं, तो आपको हर कष्ट से छुटकारा प्राप्त होता है। वहीं पर शनि प्रदोष व्रत है, आप शनि प्रदोष व्रत से समझ ही रहे होंगे, शनि की 7.5 जिन पर चल रही है, शनि की ढैया जिन पर चल रही है, या किसी भी प्रकार से शनि की महादशा या शनि की अंतरदशा चल रही है, तो आप लोगों के लिए ये व्रत महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं भगवान शनि देव के गुरु माने जाते हैं, यानी कि अगर आपको शनि देव से कोई भी कष्ट आ रहा है, वैसे तो शनि देव जो हैं कर्मदाता हैं, दंडनायक हैं, मगर अगर आपको कर्मों के अनुसार आपके दंड मिल रहा है, अगर आपके कर्म लग रहा है कि आप किसी भी भूल चूक से जाने अनजाने में खराब हो गए हैं और आपको उनका सही फल नहीं मिल पा रहा है, तो भगवान शिव की पूजा आराधना करें। इस प्रदोष व्रत के दिन जो है भगवान शिव को आप जल अभिषेक ज़रूर करें। ऐसा करने से शनि की जितनी भी परेशानियाँ हैं, कष्ट हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। वैसे तो कहा जाता है शनि कर्म फल दाता है, यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसी के अनुसार आपको फल देते हैं। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, शनि को केवल प्रेम देने की आवश्यकता है और अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। वहीं पर शनि प्रदोष व्रत है तो भगवान शनि देव के गुरु यानी भगवान शिव की पूजा आराधना इस दिन बेहद खास रहेगी। अगर आप संपूर्ण परिवार खुशहाल जीवन चाहते हैं तो शिव परिवार की इस दिन पूजा आराधना ज़रूर करें, माता गौरी शंकर का गठबंधन इस दिन ज़रूर करा दें, आपके लिए बहुत खास रहेगा। और अंतिम में एक छोटा सा उपाय, इस दिन कोशिश करें कि आप जो हैं भगवान शिव की उपासना के साथ साथ शिव चालीसा का 21 बार भगवान शिव की प्रतिमा के सामने बैठ के या शिवालय में बैठ करके पाठ कर लें, तो आपके जीवन से तुरंत ही कष्टों का समापन हो जाएगा।